दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी हीरो अक्षय कुमार इन दिनों अपने काफी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। यही वजह है कि वे अक्सर अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर पहले से ही चर्चा में रहते हैं। वहीं अब अक्षय कुमार से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल इन दिनों तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यराई पोट्रू अपनी हिंदी रीमेक को लेकर काफी चर्चा में है। ऐसे में अब कई रिपोर्ट्स ये भी सामने आई है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार इस फिल्म में काम करने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। खबर के अनुसार अक्षय कुमार बीते साल से ही निर्माताओं के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले पर अपनी सहमति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने इन दिनों पहले ही अपने इसके पेपर साइन कर लिए हैं। बता दें एयर डेक्कन के फाउंडर कप्तान जीआर गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित इस फिल्म में सुपरस्टार सूर्य मुख्य भूमिका में थे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने बनाया। सामने आ रही खबरों के मुताबिक 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी सुधा ही बनाने जा रहे हैं, जबकि विक्रम मल्होत्रा और सूर्य इसे प्रोड्यूस करेंगे। खबरों की माने तो यह भी दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की हिंदी रीमेक को बड़ा बनाने वाले हैं, जिससे हिंदी ऑडियंस तक ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।